हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आपका जो एग्जामिनेशन है वो सेमेस्टर वाइज हो रहा है, कि आपका जो सिलेबस है वो सेमेस्टर वाइज हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं। और आपका जो चैप्टर वाइज था पिछला कैसे चलता था उस पर ऑलरेडी हमारे वीडियोज अवेलेबल है, लेकिन सेमेस्टर वाइज कैसे कैसे आपको क्या चीज़ें पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग वीडियो जब अपलोड हो रही हैं। तो थर्ड जो आपका यूनिट था उसमें तीन वीडियोज हमने कवर किया हुआ था, उसको आप अगर चाहो तो तीन चैप्टर के रूप में भी पढ़ सकते हो, लेकिन तीन वीडियोस आपके थर्ड यूनिट के थे। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फोर्थ यूनिट बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का। ये फोर्थ यूनिट है एंड सिक्स यूनिट पूरे आपके पेपर में है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जिसमें से फोर्थ यूनिट का नाम है आपका परिवार। परिवार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके एक एक वीडियोज के माध्यम से हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, बट सभी के सभी क्या होंगे आपकी यूनिट नंबर फोर से ही रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक नॉलेज के बारे में, व्हाट इज द फैमिली, परिवार क्या होता है। तो परिवार एक ऐसी संस्था है जहां लोगों के बीच एक भावात्मक जुड़ाव होता है, जहां से जुड़े रहते हैं, और वहां पर फैमिली में कम से कम एक स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध स्थापित होता है, जिससे कि समाज पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे। तो यह सारी व्यवस्थाओं का एक सामाजिक स्वरूप जो होता है कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंधों को स्थापित करना, एक परिवार में बच्चों का लालन पालन पोषण करना, एक भावात्मक रूप से जुड़ना, एक निश्चित एक समान आवास में रहना, एक दूसरे के साथ निकटतम रक्त संबंध होना, ये सारे निशानियां हैं एक फैमिली की, और ये दर्शाती हैं कि ये एक फैमिली निवास कर रही है। तो इस तरह से अगर बेसिकली आप समझना चाहो तो परिवार क्या है, एक सामूहिक एक संस्था का एक मेन केंद्र है जहां से एक समाज का निर्माण होता है। समाज का आप कह सकते हैं दैट इज द सेंटर पॉइंट, जिससे जुड़ने से एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, इस तरह से जुड़ने से जब कई परिवार जुड़ जाते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है। तो समाज का एक केंद्र बिंदु है परिवार। इसी पर अपना विचार रखते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। तो इसी पर अपना विचार रखते हुए मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं इस पर, ये कहते हैं परिवार एक ऐसा समूह है, परिवार का एक समूह है जो स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर आधारित होता है, और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है। क्या कह रहे हैं मैकाइवर एंड पेज कि परिवार एक ऐसा समूह है। समूह तो कई सारे आपने देखे होंगे, कई सारे समूह होते हैं, लेकिन ये ऐसा समूह है जहां पर एक स्त्री पुरुष के बीच में यौन संबंध स्थापित होता है, और ये जो समूह है ना, ये समूह जो ये परिवार होता है, इसका जुड़ाव ये काफी सुनिश्चित होता है, इतना ज्यादा सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन की क्रिया होती है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का लालन पालन की एक समुचित व्यवस्था तैयार की जा सकती है इस माध्यम से, इतना टिकाऊ परिवार होता है। अदरवाइज आप किसी भी समूह को उठा करके देख लेंगे, इतने लंबे समय तक एक साथ जुड़ करके रहना वो बहुत कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, लेकिन परिवार एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा समूह है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें एक समुचित रूप में व्यवस्थित की जा सकती है और समुचित रूप में अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। ओके, इसी पर अपना विचार रखते हुए आगबर्न और निमकाफ महोदय क्या कहते हैं कि परिवार बच्चों तथा बिना बच्चों वाले पति पत्नी या किसी स्त्री पुरुष में एक के साथ रहने वाले संतानों की एक अस्थायी समिति है। समझिएगा इस चीज को, अकबर और निमकाफ क्या कहते हैं कि जो परिवार है ना, ये बच्चों, मतलब परिवार है एक स्त्री पुरुष है तो बच्चे हैं, तो परिवार बच्चों या बिना बच्चों वाले पति पत्नी, मान लिया पति पत्नी अगर एक दूसरे एक साथ रह रहे हैं तो वो भी एक फैमिली है ना, हो सकता है उनके बच्चे हो सकता है बच्चे ना हो। तो परिवार जो है बच्चों या बिना बच्चों वाले पति पत्नी या किसी स्त्री पुरुष में एक के साथ रहने वाले संतानों की एक अस्थाई समिति है। क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे, परिवार जो है वो बच्चों या बिना बच्चों वाले पति पत्नी जहां पर एक साथ रहते हैं वो फैमिली कहलाती है, या फिर किसी पुरुष स्त्री में से एक के साथ, यानी कि पुरुष के साथ या स्त्री के साथ रहने वाले संतानों की एक अस्थाई समिति है। यानी कि मान लिया पुरुष या स्त्री पति पत्नी में से किसी की डेथ हो गई है, मान लिया पति की डेथ हो गई तो पत्नी के साथ रहने वाले बच्चों की संतानों की एक अस्थाई समिति जो होगी, जो एक साथ रहेगी वो भी फैमिली कहलाएगा, भले ही पुरुष की मृत्यु हो गई हो या किसी भी वजह से अलग हो गए हो तो वो भी एक फैमिली कहलाएगा, या फिर जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो गई हो या किसी वजह से अलग हो गई हो तो पति के साथ रहने वाले जो संतान है तो उनकी जो एक समिति है इसको हम परिवार कह सकते हैं। तो इस तरह से अखबार और निमकाप महोदय ने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार क्या है। अब जब इसको और अच्छे तरीके से आपको समझना है तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपको जानना पड़ेगा।
तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए कि परिवार की विशेषता क्या है जो इसको दूसरे जो संस्थाएं हैं, दूसरे जो समूह है उससे अलग बनाता है। इसमें क्या ऐसा बेसिक चीज है जो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये परिवार अलग चीज है दूसरे चीजों से? तो इसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी, सबसे पहले एक है सर्वाधिक सार्वभौमिक संस्था। शानी के कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी संस्थाएं है ना वो टिकाऊ नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो है संस्था है ये एक ऐसी संस्था है जो सर्वाधिक टिकाऊ, सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्था कहा जा सकता है, और सर्वाधिक सार्वभौमिक, मतलब हर जगह पर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी दुनिया के। आप किसी भी फील्ड में आप जाकर के देख लो, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉन्टिनेंट में आप जाकर के देखोगे, ये एक ऐसी संस्था है जो आपको मिलनी ही मिलनी है। ओके, एंड दूसरा है परिवार की विशेषता कि ये इसमें रहने वाले जो सदस्य होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति जो है भावात्मक संबंध होता है, एक अपनेपन की भावना कह सकते हैं इसको होता है। दूसरा, आप कोई भी समूह या संस्था उठा करके देख लो, वहां पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा, जुड़ने तो होते हैं लेकिन वो जो भाव जो अंदर से एक फीलिंग होती है वो नहीं होती है। लेकिन एक फैमिली है ना, उसमें रहने वाले लोगों के बीच में एक भावात्मक संबंध होता है, में उनमें आपस में कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाए, लेकिन कोई अगर बाहर से आकर के उसमें से किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या उसके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, पूरी फैमिली एक साथ मिलकर के उसके विरोध करेगी। तो एक भावात्मक संबंध होता है जो कि परिवार को दूसरी संस्थाओं से, दूसरे समूहों से अलग बनाता है। अगला बात करते हैं रक्त निकट संबंध, यानी कि जो फैमिली होती है ना इसमें सभी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं बहुत निकटतम रक्त संबंध पाया जाता है। बहुत दूर के कोई नहीं होगा, निकटतम रक्त संबंध मतलब कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन बहुत निकटतम चीजों से ही जाकर के मिलता है। तो वो फैमिली की जो है विशेषता है। अगर आप समूह, दूसरे समूह की बात करोगे, कोई कहीं से है, कोई अलग तरीके से है, कुछ अलग है, किसी का रक्त अलग है, लेकिन जो परिवार होता है उसमें निकटतम रक्त संबंध पाया जाता है। अगला बात करते हैं समान आवास। अधिकतर जो जितने भी परिवार होते हैं वो समान आवास होता है, यानी कि एक फैमिली है तो उसका समान आवास होता है, पति पत्नी बच्चे हैं उनका एक आवास है, एक घर है वहां पर वो रहते हैं, या संयुक्त परिवार है तो मतलब एक घर होता है बड़े रूप में वहां पर लोग रहते हैं, मतलब एक समान आवास एक परिवार की काफी महत्वपूर्ण निशानियों में से एक निशानी है। अगला बात करते हैं यौन संबंध। परिवार में एक परिवार है तो उसमें कम से कम एक स्त्री और पुरुष के बीच में यौन संबंध की क्रिया स्थापित होती है और ये सामाजिक रूप से लीगल होता है, तो इस तरह से यौन संबंध एक परिवार की काफी महत्वपूर्ण निशानियों में से आता है। अगला है आपका 6 नंबर का जो विशेषता है इसकी, वह है प्रजनन का सामाजिक और जैविक प्रकार है, यानी कि प्रजनन, बच्चे को जन्म देना, एक नेक्स्ट पीढ़ी को लेकर के आना, इसकी एक सामाजिक और जैविक प्रकार तैयार करता है परिवार, और ये परिवार के माध्यम से ही चीजें एक बेहतर तरीके से चल सकती है। तो प्रजनन और का सामाजिक और जैविक प्रकार क्या है? एक परिवार है। अगला बात करते हैं सामाजिक नियम, यानी कि जो परिवार होते हैं वो एक सामाजिक नियम का फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक कुछ नियम होते हैं, उठना बैठना, खान पान, इन सभी के कुछ नियमों का पालन होता है एक परिवार के माध्यम से। अगला है समाज का केंद्र बिंदु। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बात किया हुआ है कि जो एक फैमिली होती है ना, परिवार, ये समाज का एक केंद्र बिंदु है, इन्हीं केंद्र बिंदुओं से एक एक परिवार मिल करके ही एक समाज का निर्माण करते हैं। तो जो परिवार होता है वो समाज का क्या है? केंद्र बिंदु है। तो इस तरह से ये समाज की विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से हम समाज को और भी तरीके, अच्छे तरीके समझ सकते हैं कि समाज मतलब क्या, जहां पर निकटतम रक्त संबंध हो, समान आवास हो, भावात्मक संबंध हो, सार्वभौमिक संस्था हो, यौन संबंध स्थापित हो सके, प्रजनन सामाजिक प्रकार आ सके, सामाजिक नियमों का फॉलो हो रहा, समाज का सेंटर पॉइंट हो जाता है परिवार। तो इस तरह से जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करने वाले हो, किसी समूह को, कि ये परिवार है, तो उसमें आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि हाँ, क्या ये सारी चीजें मिल पा रही है, मैच हो रही है, तो आप परिवार की संज्ञा उसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के परिवार हो सकते हैं, कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आप देखोगे दुनिया में फैमिलीज अलग अलग टाइप्स हैं, सभी की फैमिली अलग अलग है, कुछ किसी का कुछ अलग तरीके से रहने का, खाने का, या सामाजिक रूप से अलग अलग, अलग अलग टाइप्स से उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार के प्रमुख प्रकारों में, निवास के आधार पर, यानी कि रहने के आधार पर कितने प्रकार के परिवार होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप से लोग रहते हैं ना। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहला बात करते हैं इसमें रहने के आधार पर परिवार, एक होता है पितृस्थानीय। पितृस्थानीय मतलब कि शादी के बाद जो लड़की होगी और लड़का होगा वो अपने लड़का के पिता के घर पर आकर के रहेगी, यानी कि लड़के के घर पर आकर के लड़की भी रहेगी, जो कि आप बेसिकली देखोगे हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, यानी कि इंडियन जो भी कल्चर है उसके अंतर्गत ये चीजें हैं कि लड़की आकर के लड़के के घर पर रहेगी शादी के बाद, तो वो हो जाता है आपका पितृस्थानीय परिवार।
दूसरा है आपका मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार में क्या होता है कि शादी के बाद लड़का लड़की के घर पर जाकर के रहता है, तो ये कहलाता है आपका मातृस्थानीय परिवार। यानी कि लड़का क्या हो रहा है, शादी के बाद लड़की के घर जाकर के रह रहा है, तो वो हो जाएगा आपका मातृस्थानीय परिवार, ये दूसरे टाइप का परिवार हो गया। अगला है आपका नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार क्या होता है कि जब शादी के बाद लड़का और लड़की अपने माता पिता के घर से अलग दूर जाकर के कहीं पर रहते हैं, नया स्थान क्रिएट करते हैं और वहां पर वो रहते हैं, मतलब दोनों के फैमिली से अलग जाकर के रहते हैं, तो ये कहलाता है आपका नवस्थानीय परिवार। अगला है आपका स्थान के आधार पर चौथा टाइप है आपका मातुल्य स्थानीय। मातुल्य स्थानीय मीन्स होता है जब शादी के बाद लड़का लड़की क्या हो, लड़के के बाबा के घर पर या उसके करीबी, मतलब माँ के जैसे, मतलब माँ के घर के जैसे ही, तो मातुल्य मतलब मामा के घर पे जाकर के अगर वो निवास कर रहे हैं या उसके करीबी रिश्तेदारों के घर पे जाकर के निवास कर रहे हैं, तो ऐसे परिवार को कहेंगे क्या, मातुल स्थानीय परिवार। अब परिवार के और भी आधार इसमें आपको देखने को मिलते हैं, वंश के आधार पर परिवार का टाइप्स, तो उसके बारे में और आगे समझते हैं कि वंश के आधार पर परिवार कितने टाइप्स के होते हैं। तो वंश के आधार पर दो प्रकार के परिवार होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका मातृवंशीय परिवार। मातृवंशीय परिवार में बेसिकली क्या होता है कि जब शादी के बाद जो आपके पीछे नेम का सरनेम होता है, वो माँ का जो सरनेम हो, यानी कि लड़की का जो सरनेम होगा, उसी के अनुसार जो है आपके आने वाली पीढ़ियों का, बच्चों का सरनेम उसी के आधार पर होगा, यानी कि माँ के वंश के नाम पर ही आपका वंश का नाम चलता रहेगा। एंड दूसरा है आपका पितृवंशीय परिवार। यहाँ पर क्या होगा कि मतलब शादी के बाद जब दोनों के बच्चे होंगे तो उनका जो सरनेम होगा वो पिता का जो सरनेम होगा उसी के अनुसार होता जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका पितृवंशीय परिवार। यानी कि वंश का जो नाम होगा वो माँ के नाम पर अगर चल रहा है तो मातृवंशीय परिवार, पिता के नाम पर चल रहा है तो पितृवंशीय परिवार। इस तरह से दो टाइप्स के वंश के नाम पर, वंश के आधार पर परिवार होते हैं। अब आगे बात करें प्रभुत्व के आधार पर। प्रभुत्व मीन्स पावर, शक्ति, अथॉरिटी। इसके आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके आधार पर भी परिवार दो प्रकार के ही होते हैं। पहला है आपका मातृसत्तात्मक परिवार, यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें जो मेन कमांड या मेन रूल, मेन पावर जो है माँ के हाथ में हो, वो कहलाएगा आपका मातृसत्तात्मक परिवार। यानी कि जहां पर सत्ता, पावर या अथॉरिटी जो है वो माँ के हाथों में है, मेन जो मुख्य आधार होता है या मुख्य रूप से जो पावर होता है वो माँ के पास है, तो मातृसत्तात्मक परिवार। एंड जो पावर अथॉरिटी है अगर वो पिता के हाथ में है, तो ऐसे परिवार को कहेंगे पितृसत्तात्मक परिवार। यानी कि सत्ता, पावर जो एक अथॉरिटी होती है ना एक फैमिली में कि मेन डिसीजन कौन लेने वाला है, तो अगर पिता है तो पितृसत्तात्मक परिवार, माता है तो मातृसत्तात्मक परिवार। तो इस तरह से प्रभुत्व के आधार पर, सत्ता के आधार पर, पावर के आधार पर दो प्रकार के परिवार होते हैं। इसी तरह से विवाह के आधार पर भी परिवार होते हैं। विवाह के आधार पर परिवार कैसे होते हैं, जैसे कि एक विवाही परिवार होता है, यानी कि ऐसा परिवार जिसमें एक विवाह होता है, ऐसे परिवार जिसमें क्या हो, एक विवाह हो, वो एक विवाही परिवार। और दूसरा टाइप होता है आपका बहुविवाही परिवार, यानी कि एक से अधिक विवाह जहां पर होता है। अब एक से अधिक विवाह वाले में भी दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला कि बहुपत्नी विवाह, यानी कि एक पुरुष कई पत्नियों से अगर विवाह कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका बहुपत्नी विवाह। एंड नेक्स्ट है आपका बहुपति विवाह, यानी कि एक लड़की अगर कई सारे पति से, कई सारे लड़कों से शादी कर रही है तो वो कहलाएगा आपका बहुपति विवाह। तो इस तरह से विवाह के आधार पर परिवार आप कह सकते हैं तीन प्रकार के हो जाते हैं, एक विवाही, बहुपत्नी विवाही, बहुपति विवाही। ओके, एंड इसके बाद बात करते हैं आकार के आधार पर, साइज के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो साइज के आधार पर भी परिवार दो प्रकार के होते हैं। या तो आप एकाकी परिवार में रहते हैं, एकाकी मतलब क्या होता है, पति पत्नी रहते हैं वो एकाकी है, या उनके बच्चे, पति पत्नी और उनके बच्चों से जो परिवार बनता है वो परिवार कहलाएगा आपका एकाकी परिवार। और दूसरा है आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होगा कि मतलब पति पत्नी उनके बच्चों के अलावा उनके जो लड़का होगा, पति होगा, उसके भाई भी हो सकते हैं, उसके माता पिता भी हो सकते हैं, उसके भाभी, मतलब उसके जो है एक साथ मिलजुल करके जो फैमिलीज रहती है, कई दो तीन फैमिलीज एक साथ ज्वाइंट होती है, वो उसे वही कहलाता है आपका संयुक्त परिवार। के आधार पर भी, आकार के आधार पर भी संयुक्त परिवार जो होगा उसका आकार बड़ा होगा, एकाकी परिवार होगा आकार छोटा होगा। तो आकार के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखा कि कितने टाइप्स की फैमिलीज हो सकती है। अब फैमिलीज के बहुत सारे काम होते हैं, फैमिलीज क्यों बनती है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका कार्य क्या होता है, प्रकार क्या होता है, सामाजिक प्रकार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रकार क्या होता है, धार्मिक प्रकार क्या होता है, जैविक प्रकार क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है, जो कि करने वाले हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि यूनिट नंबर 4 का सेकंड वीडियो। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।